गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप सब? फाइन मैम। वेरी गुड। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग थिंग्स के बारे में। फ्लोटिंग के बारे में आपको पता है, जैसे फिश है जो वो पानी में तैरती है ना, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। कोई भी चीज अगर हम पानी में डालते हैं वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग थिंग्स। ओके बेटा, फ्लोटिंग थिंग्स, जो चीजें लाइट वेट होती हैं, जिनका बेस ज्यादा होता है, वो चीजें फ्लोटिंग थिंग्स होती हैं, वो पानी में तैरती रहती हैं। और सिंकिंग ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो पानी में डूब जाते हैं, हैवी वेट ऑब्जेक्ट हो गए, और जिनका बेस कम होता है उनको जब हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंकिंग थिंग्स। ओके, ये मैंने कुछ आइटम्स लिए हैं आपको दिखाने के लिए। ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ये लीव्स हैं, ये मैंने स्टोन लिया है, और ये कॉइन लिया है मैंने। ओके बेटा, तो हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे कि कौन सी ये इनमें से चीज है फ्लोटिंग है और कौन सी सिंकिंग है, और हम दोनों को डिफरेंट बाउल्स में डालेंगे। इसमें हम फ्लोटिंग को डालेंगे और इसमें हम सिंकिंग ऑब्जेक्ट को डालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कौन सी चीज फ्लोटिंग है और कौन सी सिंकिंग है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोन से। ये स्टोन मैं पानी में डालने जा रही हूँ। ये देखो, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला ये पानी में डूब गया, डूब गया ना। तो ये क्या है? सिंकिंग ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? सिंकिंग। क्योंकि देखो बेटा, ये जो स्टोन है इसका वेट काफी ज्यादा है, तो जैसे ही मैंने पानी में डाला ये पानी में डूब गया, तो इसको हम सिंकिंग ऑब्जेक्ट वाले बाउल में डालेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया इसको। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे कॉइन। कॉइन है तो लाइट वेट, पर देखते हैं जब हम पानी में इसको डालते हैं तो क्या होता है। ओके, लेट्स सी क्या हुआ। सिंकिंग। जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला ये डूब गया पानी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंकिंग ऑब्जेक्ट। इसको भी हम कौन से बाउल में डालेंगे? सिंकिंग वाले बाउल में। तो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे फ्लावर के साथ। ये मैंने डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो वो पानी में डाले हैं, तो देखो बेटे क्या हो रहा है। वाटर क्या कर रहे हैं? फ्लावर्स क्या कर रहे हैं वाटर में? फ्लोट कर रहे हैं। तो ये फ्लावर्स हैं जो, ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो हम इसको किस बाउल में डालेंगे? फ्लोटिंग वाले बाउल में। ये मैं फ्लावर्स को वन बाय वन फ्लोटिंग बाउल में डाल रही हूँ। तो अब हमारे पास क्या बचा है? लीव। जो लीव्स हैं इनको अब मैं पानी में डाल के देखती हूँ कि ये फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं। तो लेट्स सी, वन बाय वन मैं लीव्स को पानी में डाल रही हूँ। हरगुन पहले ही गैस कर चुकी है कि ये फ्लोटिंग है। मैम फ्लोटिंग। तो लीव्स को मैंने पानी में डाला, लीव्स क्या कर रहे हैं वाटर में? फ्लोट कर रहे हैं। तो लीव्स कौन से ऑब्जेक्ट हैं? फ्लोटिंग या सिंकिंग? फ्लोटिंग। क्योंकि बेटा लीव्स देखो, इसका वेट है जो वो बहुत कम है, तो जैसे ही हम इसको पानी में डाल रहे हैं ये पानी में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो इनको भी हम कौन से बाउल में डालेंगे? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट वाले बाउल में, इस बाउल में जिसमें हमने फ्लावर्स डाले हैं। ओके बेटा, नाउ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये बाउल को मैं साइड में रखती हूँ। अब आप लोग इसको देखो, इस बाउल में क्या क्या है हमारे पास? स्टोन एंड कॉइन। ये दोनों ही क्या है? सिंकिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने कॉइन और स्टोन को जैसे ही पानी में डाला तो ये पानी में डूब गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स। और इस वाले बाउल में क्या है बेटा? फ्लोटिंग।
ये फ्लावर्स हैं और हमारे पास क्या है, लीव्स हैं, ओके। और जैसे ही हमने फ्लावर या लीव को पानी में डाला, ये क्या करने लग गए, फ्लोट। तो इस ये वाले ऑब्जेक्ट हैं जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको समझ में आया बेटा फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट? यस मैम। वेरी गुड, बाय बेटा।